अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ओट्स बनाने की बहुत ही अलग सी टेस्टी रेसिपी। वेट लॉस में ओट्स बहुत ही मदद करती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है, तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप के बराबर ओट्स ले लिया है। इनको मैं हल्का भून लूँगी, जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। एकदम धीमी आंच पर ओट्स को भून लेना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ले लिए हैं करीब 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर। इनको ब्लेंडर में डालकर इनकी स्मूथ प्यूरी बनाकर तैयार कर लें। तो ये देखिए, इस तरह से रफली चॉप करके ब्लेंडर में डाल दें और फिर इनको पीस कर स्मूथ प्यूरी बनाकर तैयार कर लें। यहाँ पर ओट्स भी भुने जा चुके हैं, इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। अब कढ़ाई में मैं ले लूँगी 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तेल में डाल देना है 1 छोटा चम्मच जीरा तड़के के लिए और 2 सूखी लाल मिर्च यहाँ पर मैंने यूज़ की है। फिर 1 टेबलस्पून लहसुन, जिनको दरदरा कूट लिया है, उसे डाल दूँगी। थोड़ा सा इनको भून लेने के बाद इसमें डाल देना है 1/2 कप के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, फिर इसमें डाल दूँगी 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1/2 कप बारीक कटा हुआ गाजर। इन सारी सब्जियों को थोड़ा सा भून लें, थोड़ा सा पका लें। थोड़ा सा पका लेने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप के बराबर स्वीट कॉर्न। सब्जियां थोड़ी सी भुन जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा भुन जाने से लाल मिर्च से भी बहुत अच्छा रंग आएगा। ओट्स प्रोटीन से भरपूर होता है, साथ ही साथ सब्जियाँ इसमें डाल दें जो कि विटामिन से भरपूर है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत ही हेल्दी डिश बनती है ये। इनको थोड़ा सा भून लेने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर की प्यूरी और फिर इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाना है, जब तक कि तेल ना अलग होने लगे। टमाटर को अच्छे से पका लें, नहीं तो फिर इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो आएगा। टमाटर से ओट्स में टैंगी फ्लेवर आएगा और टोमेटो सॉस से मीठापन जो है वो बैलेंस करेगा इस फ्लेवर को, तो स्वीट एंड टैंगी फ्लेवर वाला ये ओट्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। फिर इसमें डाल देना है काले मिर्च का पाउडर करीब 1/2 छोटा चम्मच। अब यहाँ पर पूरा मिक्सचर पक चुका है तो इसमें डाल देना है पानी। यहाँ पर मैं 4 कप के बराबर पानी डालूंगी और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें भुना हुआ ओट्स डालकर मिक्स कर लें। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो रहा है तो 1-2 कप पानी और इसमें डाल दें अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से और फिर इसे पकाना है जब तक कि ओट्स पूरी तरह पक ना जाए। जैसे जैसे ओट्स पकेगा उतना ये गाढ़ा होता जाएगा। यहाँ पर आँच को मैंने लो से मीडियम हीट पर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर इनको न पकाएं, नहीं तो ये मॉइस्चर जल्दी सूख जाएगा और ओट्स हमारे कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए लो से मीडियम आंच पर इनको इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पका लें। ओट्स को थोड़ा सा चटपटापन देने के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला। अच्छे से इसे मिक्स कर लें, फिर आखिर में ऊपर से बारीक कटे हुए हरे धनिया से गार्निश करके अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमारा चटपटा टैंगी स्वीट ओट्स बन के तैयार हो गया है घर में। इसके टेस्ट के आगे आप मार्केट में मिलने वाला रेडीमेड ओट्स के पैकेट भी भूल जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।